राघव जी, जो मैं तुमसे कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। जी सर जी। वो नकली संध्या से जो सामान प्राप्त हुआ है उससे उसका मकसद पता चलता है, लेकिन उसे यहाँ किसने भेजा ये अभी तक हमें पता नहीं चल पाया है। सेठ जी, संध्या पे कई यातनाएं करने के पश्चात भी सिर्फ इतना पता चला है कि उसे उसका नाम नहीं पता, सिर्फ उसकी शक्ल जानती है। इतने सालों से तुम्हारे बाबा ने देवसू गांव की सुरक्षा पर आंच नहीं आने दी है, लेकिन वो लोग सिर्फ हमारे घर तक ही नहीं बल्कि तुम्हारे बाबा के कमरे तक पहुंच गए हैं, और मुझे यकीन है कि वो लोग ये प्रयास फिर से करेंगे। राघव जी, हमें और सतर्क रहना होगा और उनकी हर वार को रोकना होगा। हाँ सेठ जी, अब मुझे बताइए आदेश क्या है। अरे वाह, आप दोनों यही हैं, लीजिए मिठाई खाइए। राघु जी, तुम तो खाओ कम से कम। क्या हुआ? अरे नहीं नहीं, ये बाजी के जन्मदिन की मिठाई नहीं है, वो तो गौरी ने बताया था मुझे। भला मैं क्यों आप दोनों को बाजी के जन्मदिन की मिठाई खिलाऊंगा? बाजी कोई अपना थोड़ी ना है, वो तो पराया है ना। संभाजी, आपको कुछ काम था? मैं तो आपके लिए मिठाई लाया था सेठ जी। वो जो आपने खेतों में सिंचाई का काम कराया था ना, इसीलिए खेतों में बीज भी बहुत अच्छे तरीके से फूट रहे हैं, और देवसू के किसानों ने खुश होकर ये मिठाई आपको दी है। लीजिए ना। राघु जी, अच्छी बात है राघु जी, सिंचाई अच्छे से हुई है तो बाकी के खेतों में भी सिंचाई करवा दीजिए। सेठ जी, आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपसे एक और बात कह सकता हूँ? संभाजी, एक बात में अनेक बात कह जाते हैं आप, फिर भी कहिए क्या कहना चाहते हैं। सेठ जी, वो आपने बाजी और प्रगति के बारे में क्या निर्णय लिया है? वो नकली संध्या के पकड़े जाने से एक बात तो तय हो गई है, वो लड़की प्रगति सच बोल रही थी। जब वो आपको सचेत करने देवसू तक आ गई थी, इसलिए। संभाजी, उस नकली संध्या के मुंह से सच उगलवाकर आपने बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं क्या पूरा देवसू आपका आभारी है, लेकिन हमारे आभारी होने का और लाभ मत उठाइए। हमने निर्णय ले लिया है, सो ले लिया है, अब इस विषय में हम और बात नहीं करेंगे।